हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम बनाएंगे बाजू, इसको बोलते हैं बाजू और पर, और इसको बोलते हैं खाल, ये इसी के साथ ही आती है। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम घर के सामान से ही। तो उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, और एक प्याज और एक टमाटर मैंने पीस लिया है, और ये है दही, 2 चम्मच मैंने दही लिए, और जी ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला जो अपन खाते हैं, और जी ये है कुछ साबुत मसाले, और मैं इसको बनाऊंगी सरसों के तेल में। तो ये सरसों का तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़े बहुत मसाले, जैसे एक तेज पत्ता हो गया, और ये हो गया मसाला, थोड़ा सा इसको हम तोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, बस इतना ही चाहिए। ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर, एक ये डाल देंगे बस, और जी थोड़ा सा जीरा, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और जी साथ ही डाल देंगे प्याज। बहुत ही कम सामान से, मतलब घर के सामान से ही बनाएंगे हम, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं खाल और बाजू, हमारे यहाँ पे तो खाल और बाजू बोलते हैं, आपके यहाँ पर जो भी आप कहते हो। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी प्याज हमारे थोड़े से लाल हो गए हैं, इसमें हम डाल देंगे पीसे हुए प्याज, थोड़ी कर लेंगे हमने एक से 2 मिनट के लिए। तो जी प्याज टमाटर हमारे हो गए हैं, इसमें हम डाल देंगे मसाले, ये नॉर्मल मसाले हैं जो कि मैंने बताए दिया आपको, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और गर्म मसाला, आप अपने हिसाब से डाल लेना। तो कर देंगे हमने अच्छे से, लीजिए थोड़ा थोड़ा डाल पानी। तो जी अब हमने इसमें कर दिया है पानी, तो कर लेंगे और अच्छे से हमने, अब हम इसमें डालेंगे दही, कर लेंगे हमें देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का, देखिए। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से भूनेंगे। मुझे देखिए मसाला अच्छे से हो गया है, अच्छे से मसाला हो गया है, तो तेल भी ऊपर आ गया है और अच्छी से खुशबू भी आ गई है। अब जब इसमें हम डालेंगे ये हमारी बाजू और खाल डाल देंगे, मतलब हमारी नहीं चिकन की, ठीक है जी। और इसको कर लेंगे अच्छे से मैक, और अब तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है जी, इसको कर दिया अच्छे से मिक्स, आप डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, ऑर्डर बहुत है। इसमें कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से मसाले में भून जाए, नमक को अच्छे से मिलाएंगे। तो जी देखिए, हाँ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और पकाना है अच्छे से, और हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और जी कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी रेसिपी, बिल्कुल सिंपल मसालों से, बताना ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करना, ठीक है जी। चलिए इसको हम होने देते हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा पानी कर देते हैं, और बस ज़्यादा नहीं करेंगे हम, इतना ही पानी करना है हमें इसे, और इसे छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे अब। चलो भाई, तो जी चलिए अब इसको हटाते हैं, 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए,
आटा टन। तो जी देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। 5 मिनट में बनाई है मैंने सब्जी, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो मेरी ये रेसिपी। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।